वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा दोस्त अमन दुबे, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कॉल मी एडी। तो आज हम जा रहे हैं आगरा की ये पांचवी फेमस जगह। तो वीडियो को पूरा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं सीधा लोकेशन पर। हमको पता है आपको रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि रास्ता ना दिखाएं, सीधा लोकेशन पर ले जाएं। तो चलते हैं, मिलते हैं सीधा वीडियो में। तो नमस्कार। तो जैसा कि हमने सारी वीडियो में उस कॉलेज से बोला, इस कॉलेज से सुना, इसी वीडियो में थोड़ा अलग होगा। इस वीडियो में हम बोलेंगे नहीं, हम बस इस कवर को देखेंगे। कबूतर जा 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 कबूतर जा, किस भाई का बेसुरी आवाज भाई तुम्हारी। तो मशीन दरभंगा से मस्त व्यू आ रहा ना भाई, यहाँ से एकदम बोले तो एक नंबर भाई। आशिक को वो दीवार मिल जाए, अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं। कितने बड़े बादशाह हैं ये, वो बी डी पता ही नहीं क्या क्या लिख रहा है यहाँ पर, कौन कौन सी भाषा है यहाँ पर। महारानी नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे एतमादौला का मकबरा बनवाया था। यह उनके पिता घियास उद्दीन बेग की याद में बनवाया गया था, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे। मुगल काल के अन्य मकबरों से छोटा होने के कारण इसे कभी कभी श्रृंगारदान भी कहा जाता है। यहां ताजमहल में उद्यान, पिएट्रा ड्यूरा मोज़ेक और कई घटक पाए जाते हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरी एक आदत लगी, हम लेके आए थे अपना ट्राइपॉड कैमरा, रत्न चढ़ने का सेल्फी स्टिक सब कुछ लेके आए थे, किया गया। पर इनने हमारा ट्राइपॉड सब कुछ रखवा दिया और यहाँ पे बहुत लोग आए लेके, उनसे कुछ नहीं बोला। गाइस जैसा यहाँ पे मतलब एक तरह का बिजनेस स्टार्ट कर दिया ये लोग, मतलब जैसे कि ट्राइपॉड वगैरह जो ज्यादा पैसे देता है उसको जाने देते हैं कैमरा लेके, और जो पैसे नहीं दे पाता है या पैसे देने उसको ये ले आने से मना कर देते हैं। Patience is waning as this entertaining. My patience is waning. यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित मकबरा एक बड़े सलीब के आकार के बगीचे में स्थित है, जिसके चारों ओर पानी के मार्ग और रास्ते हैं।
मकबरा अपने आप में लगभग 23 मीटर वर्ग को कवर करता है और लगभग 50 मीटर वर्ग और लगभग 1 मीटर ऊंचे आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक कोने पर अष्टकोणीय मीनारे हैं, जो लगभग 13 मीटर ऊंची हैं। दीवारें राजस्थान के सफेद संगमरमर से बनी हैं, जिन पर सेमी कीमती पत्थर की सजावट की परत चढ़ी हुई है। कार्नेलियन, जैस्पर, लेपिस लाजुली, गोमेद और पुखराज सरू के पेड़ों और शराब की बोतलों की छवियों में बनाई गई है, या अधिक विस्तृत सजावट जैसे कटे हुए फल या गुलदस्ते वाले फूलदान। जटिल नक्काशीदार सफेद संगमरमर की जालीदार स्क्रीन के माध्यम से प्रकाश इंटीरियर में प्रवेश करता है। आंतरिक सजावट को कई लोग ताजमहल से प्रेरित मानते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से मेरे बन के सब्सक्राइब करा दें। मुझे लगता है शायद मैं बोलता हूँ सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भाई ने भी बोल दिया आपको चैनल को सब्सक्राइब करा बड़े भाई। तो जल्दी से जल्दी मेरे बन के सब्सक्राइब कराएं और मिलते हैं सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।